हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन और स्वागत है आपका एक बार फिर से टेक्निकल अमन टू चैनल में। तो कई बार होता क्या है कि हमारे घर वाले या फिर हमारे दोस्त जो भी होते हैं वो हमारा फ़ोन ले लेते हैं और वहाँ पर व्हाट्सएप हमारा चेक करने लगते हैं। तो व्हाट्सएप चेक करते करते उस किसी भी मतलब जो हमारा पर्सनल चैट होता है वो पर्सनल चैट को पढ़ने लगते हैं, तो उससे हमारी जो प्राइवेसी है वो लीक होती है। आप लोग पता ही होगा कि आप लोग कहाँ कहाँ चैट करते हैं और किस किस टाइप का चैट करते हैं, तो इससे कि हमारी जो प्राइवेसी है वो लीक होती है और उन्हें हमारे बारे में पता चल जाता है, तो जिससे कि हमारी कुटाई भी हो सकती है। तो इस तरह से बचने के लिए व्हाट्सअप का एक नया अपडेट आया कि जिसमें कि आप किसी भी जो व्हाट्सअप का चैट है मतलब वो पार्टिकुलर किसी भी चैट को आप लॉक कर सकते हो, मतलब जो आप पर्सनली एक चैट को लॉक कर सकते हो। पहले क्या था कि मतलब आप अपने व्हाट्सअप को लॉक कर सकते हो, तो वो तो अलग चीज़ हो गया, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मतलब किसी पर्सनली एक बंदे का जो मैसेज है उसको हाइड करना चाहते हैं, उसको लॉक करना चाहते हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो चलिए हम बताते हैं कि आपको ये कैसे करना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँच जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में चले जाना है और प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ से आपको व्हाट्सअप को सर्च करना है यहाँ पर। तो जैसे यहाँ पर हम अपना व्हाट्सअप को ओपन सर्च कर लेते हैं और अगर व्हाट्सअप आपका अपडेट नहीं है तो सिंपली आपको अपडेट कर लेना है, क्योंकि अभी नया फीचर्स आया तो सिंपली आप इसको अपडेट करना पड़ेगा आपको। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा जो अपडेट है वो हो रहा है और यहाँ पर इंस्टॉल हो रहा है, तो सिंपली हमको थोड़ा देर वेट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर देखिए हमारा इंस्टॉलेशन सक्सेसफुल होगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो सक्सेसफुल हो गया। तो सिंपली हम इसको ओपन करते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे तो आपका जो व्हाट्सअप है वो आपका चैट मतलब ओपन हो जाएगा। तो सिंपली आपको करना क्या है, आपको जिस भी चैट को लॉक करना है तो सिंपली आप जो भी चैट को आप लॉक करना चाहते हैं जिससे भी मतलब आपके हैं, तो सिंपली आप उसको वहाँ उसको चूज कर लीजिएगा। तो सिंपली हम यहाँ पर अपना अपना ही नंबर जो है उसको चूज कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर आएंगे तो आपको यहाँ प्रोफाइल वाले के बगल में यहाँ पर आपको नाम वाले पर अपने टिक करना है, क्लिक करना है यहाँ पर। देखिए स्क्रीन यहाँ पर आपको नाम पर अपने क्लिक करना है यहाँ पे, तो सिंपली यहाँ पर हम कर लेते हैं। और जैसे ही नाम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैट चैट लॉक का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर आप मतलब किसी पे जाएंगे तो उसमें आपको यहाँ पर चैट लॉक का ऑप्शन आएगा, तो सिंपली यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर कीप द चैट लॉक एंड हिडन, तो मतलब यहाँ पर आपको हाइड भी कर सकते हैं, तो सिंपली आपको इसको ऑन करना है। तो जैसे ये ऑन करेंगे तो ये ऑन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पहले सेट और फिंगर मतलब यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेट करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो आप सोच रहे होंगे कि अगर हमारे फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो फिर क्या होगा, तो यदि आपके फ़ोन में फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप अपना फेस लॉक लगा सकते हैं, क्योंकि फेस लॉक तो हर फ़ोन में होता है। तो सिंपली क्या करना है, हम अपने सेटिंग में आ जाते हैं और सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर हम अपना पासवर्ड और वहाँ पर आ जाते हैं और सिंपली यहाँ पर ऐड फिंगर पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम अपना एक फिंगर ऐड कर लेते हैं आपको जल्दी जल्दी। तो देखिए हमारा यहाँ पर फिंगर ऐड हो चुका है, तो सिंपली हम अपने फिर से अपने व्हाट्सएप में आ जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर चैट लॉक वाले पर आ गए, तो सिंपली हम इसको इनेबल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमसे कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है मतलब जो हमारा फिंगर है, तो सिंपली हम अपने फिंगर को कंफर्म कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है दिस चैट इज नॉट लॉक्ड, तो यहाँ पर सिंपली हम इसको व्यू पर क्लिक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा चैट है वो लॉक हो चुका है। यहाँ पर देखिए योर पर्सनल मैसेज आर इन टू इनक्रिप्शन, और सिंपली आपको देखिए यहाँ ऊपर आपको जैसे जाएंगे तो यहाँ पर सिंपली आपको एक ऊपर एक आपको मिल जाएगा यहाँ पर देखिए चैट वाला ऑप्शन मतलब जो लॉक वाला ऑप्शन है। तो यहाँ पर सिंपली इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप सबसे पहले आपको अपना फिंगर देना होगा, उसके बाद ही आप इसको इनेबल कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप इसमें चाहे तो मल्टीपल पर्सन को मतलब कितने भी लोगों को आप इस तरह से इनेबल कर सकते हैं जिससे कि आपकी सिक्योरिटी लीक नहीं होगी और आप जो चाहे वो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि वे लोग भी इस तरह से बच सके, नहीं तो उनकी भी कुटाई हो सकती है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।